तो गाइस यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, केल्विस यादव फाइनली अपने ओल्ड वर्जन में आने वाले हैं। मतलब कि जो चीज के लिए सबसे ज्यादा लोग उनको देखना चाहते थे फाइनली वो चीज के साथ वो कमबैक कर रहे हैं। मतलब कि गाइस यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो चुकी है, केल्विस यादव वापस से रोस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहला रोस्ट ध्रुव राठी के ऊपर ही होगा, जैसे कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने वाले ट्वीट करी थी, कल फिर उन्होंने वाले स्टोरी भी शेयर करी जहाँ पे आप देख सकते ध्रुव राठी के ऊपर काम चल रहा है। जब एल्विस यादव लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा, रोस्ट वीडियो कब तक आएगी, जिसपे एल्विस यादव कहे थे कि जल्द ही आएगी। और अभी यहाँ पे फाइनली एल्विस यादव आज के ब्लॉग में तो बिल्कुल भी क्लियर कर चुके हैं कि रोज ध्रुव राठी के ऊपर ही आने वाली है। रोज वीडियो कब तक आएगी इसके बारे में उन्होंने बातें करते हुए कुछ है कहे, 3 or 4 days max। भाई साहब एक बहुत ही घातक वीडियो शूट हुई है, घातक का मतलब समझते हो तुम, घातक का मतलब बहुत घातक। ग्रीन स्क्रीन है, चेयर है, सिस्टम है, सारी चीजें हैं, हमारे भाई साहब हैं। इतना बड़ा सेटअप तो नहीं है हमारा, बट हाँ काम चला हुआ है, बहुत मजा आने वाला है। जो भी है कान खोल के, दिल खोल के, दिमाग खोल के और राठी भाई के फैन पेंट खोल के रेडी हो जाओ, क्योंकि दिमाग का पिटारा खुलने वाला है भाई साहब। लास्ट सीन रेडी कर रहे हैं, फिर एडिटिंग पे चली जाएगी वीडियो, फिर तुम्हें पता कब आनी है, कब निकालें इसको, 1 तारीख को उद्घाटन कर दें या उससे पहले कर दें, जितनी जल्दी वीडियो रेडी हो जाएगी उतनी जल्दी निकाल देंगे। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग ध्रुव राठी के ऊपर रोस्ट वीडियो को लेकर कितना एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। और जिस लाइव स्ट्रीमिंग में एल्विस यादव ने बातें की सिद्धार्थ शुक्ला को, जैसे कि आप सबको पता है वो हमारे बीच नहीं रहे, बट एल्विस यादव ने कल उनके बारे में बातें करते हुए कहे कि सिद्धार्थ शुक्ला भाई मेरे फेवरेट थे, उनकी पर्सनालिटी अलग लेवल की। मेरे भी फेवरेट थे भाई सिद्धार्थ भाई, ना मैंने वाला थोड़ा सा देखा था रील्स वगैरह पे देखा, बट मैंने सुना काफी कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट विद अस, बट आई लव्ड हिज पर्सनालिटी। और आपने कंपेयर करा और आपने बोला कि उसके बाद मैं फेवरेट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, थैंक यू। बाकी के जैसे आप लोग एल्विस यादव को लेकर कुछ कहना चाहते हो, आप लोग अपना कुछ ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।